मंच पर आसी केंद्रीय सरकार के माननीय मंत्री श्री राजशेखर जी, उत्तर प्रदेश सरकार के स्टेट आईटी मिनिस्टर अजीत पाल जी, सम्मानित मंच, उपस्थित बंधुओं, आईटी और आईटीईएस क्षेत्र विशेष रूप से विकासशील देशों में अपार संभावनाओं के साथ बड़े पैमाने पर विकास चालक के रूप में हो रहा है। सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश और देश में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस प्रदेश की है। उत्तर भारत के आईटी हब के रूप में यह जाना जाता है और देश में सॉफ्टवेयर निर्यात क्षेत्र स्थान पर है। उत्तर प्रदेश सरकार आईटी और आईटीईएस क्षेत्र के प्रमुख को पहचानती है तथा आईटी और आईटीईएस उद्योग के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रभावी नीति कार्यान्वयन के माध्यम से बुनियादी ढांचे और मानव पूंजी विकास को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के डिजिटल इंडिया तथा रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म मंत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं को एक डिजिटल रूप में सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में बदल रही है, जिससे 2027 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य अनुरूप निवेश का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2017 की समाप्ति के उपरांत नई नीति बनाए जाने के क्रम में अन्य प्रदेशों के नीतियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जन सेवा नीति 2023 प्रख्यापित की गई है। भारत में जाकर कम लोग एक सर्वकालिक उच्च स्तर पर है। डाटा संचरण और उपभोग से तीव्र वृद्धि के कारण डाटा संग्रहण की मांग बढ़ रही है और देश में डाटा सेंटर बाजार का विस्तार भी हो रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2031 के अंतर्गत 636 मेगावाट की क्षमता के डाटा सेंटर स्थापित किए जाने के लिए 7 प्रदेश प्रस्ताव के माध्यम से लगभग 20,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य नीति की अनुसूचना के प्रथम वर्ष में ही प्राप्त कर लिए गए। नीति की सफलता से उत्साहित होकर उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 को संशोधित किया गया तथा संशोधित नीति में 900 मेगावाट का डाटा सेंटर क्षमता तथा 30,000 करोड़ रुपए के निवेश को पुनरीक्षित लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हितधारकों द्वारा दिए गए परामर्श को संशोधित डाटा सेंटर नीति से समाहित किया गया है। गैर वित्तीय प्रोत्साहन पावती पत्र निर्गत होने के बाद लागू होने की व्यवस्था की गई है, जिससे निवेशकों को वाणिज्यिक परिचालन हेतु पर्याप्त समय मिल सके। मूल नीति में 3 डाटा सेंटर पावर्स की दोहरी पावर ग्रिड विद्युत आपूर्ति की अनुबंधता को बढ़ाकर अब 8 डाटा सेंटर पास के लिए किया जा रहा है। इन नीतियों के द्वारा उत्तर प्रदेश में आईटी और आईटीईएस क्षेत्र तथा सेंटर के क्षेत्र में अधिकाधिक निवेश आकर्षित किए जाने का राज्य सरकार का प्रयास है।
तथा उत्तर प्रदेश में आईटीएस क्षेत्र में क्षेत्र एवं डाटा सेंटर के क्षेत्र में निवेश हेतु आप सबको आमंत्रित करने के लिए मुझे हर्ष हो रहा है। धन्यवाद। Thank you, sir. And now, मशहूर सिंह उत्तर प्रदेश सरकार के स्टेट आईटी मिनिस्टर मेरे साथी अजीत पाल जी, उत्तर प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारी आलोक जी, अक्षय कुमार जी, सम्मानित मंच उपस्थित बंधु, अभी डिस्कशन हुआ, विचार विमर्श हुआ, यह निकल कर आया कि उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप का वातावरण बन रहा है और सरकार सहयोग करना चाहती है। गर्ग साहब बता रहे थे सूत्रों में कि किस तरीके से पिछले 10-12 सालों में उत्तर प्रदेश का वातावरण बदला है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, उद्योगों के खुलने की सुविधाएं बढ़ी है, कानून व्यवस्था अच्छी हुई है, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना है और ये सब वातावरण किसी भी व्यवसाय को करने के लिए, जो व्यवसायी जुड़ते हैं उनके लिए, जुड़ने के लिए बहुत अनुकूल है और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री योगी जी, मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की देन है। मित्रों, उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रथम कार्यकाल में युवाओं के बीच नवाचार और उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप लागू की गई थी, जो उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में सफल रही। हालांकि इसकी परिकल्पना सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को ध्यान में रखकर की गई थी, इसमें प्रदेश के अन्य उद्योगों के लिए स्टार्टअप नीति नहीं थी, इसलिए राज्य सरकार ने कृषि, चिकित्सा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन ऐसे कई क्षेत्रों में भी स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए इस उद्देश्य से नई स्टार्टअप नीति 2020 बनाए जाने का निर्णय लिया, जिसके बाद प्रदेश में स्टार्टअप तथा इंक्यूबेटर्स की संख्या में काफी प्रगति हुई। नीति के अंतर्गत राज्य में 3 स्टेट ऑफ आर्ट उत्कृष्टता के केंद्रों COE की स्थापना के तहत पहला उत्कृष्टता का केंद्र मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में SGPGI लखनऊ में तथा एक अन्य उत्कृष्टता का केंद्र IIT कानपुर नोएडा परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में स्थापित होकर परिचालनरत हो गए। इसके अतिरिक्त IIT कानपुर में ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। स्टार्टअप सेक्टर इतनी तेजी से विकसित हो रहा है कि पिछले 2 वर्षों में इकोसिस्टम में हुए बदलाव के कारण नीति की समीक्षा आवश्यक हो गई, इसलिए हमने इस नीति की समीक्षा करके नीति में पुनः संशोधन किए हैं। इस नीति के अंतर्गत प्रदेश में 3 उत्कृष्टता केंद्रों के लक्ष्य को बढ़ाकर 8 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का संकल्प लिया गया है। उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जहां क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
एवं मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, एआर वीआर, ड्रोन्स, 5G, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, डिफेंस प्रौद्योगिकी, एग्री टेक, एज टेक तथा सामाजिक अथवा राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में भारत और विदेश में 100 सर्वाधिक संभावना युक्त उत्पादकों को के आधार पर स्टार्टअप होंगे। स्टार्टअप्स रैंकिंग दिशा निर्देशों के अनुरूप महिला नेतृत्व युक्त स्टार्टअप, ग्रामीण प्रभाव के स्टार्टअप, सर्कल इकोनॉमी, नवीनीकरणीय ऊर्जा तथा जलवायु परिवर्तन की परिभाषाओं को स्पष्ट कर दिया गया है। स्टार्टअप्स के लिए विपणन सहायता और भरण पोषण के भत्ते की जो व्यवस्था मूल नीति में थी उसमें वृद्धि की गई है। इसके अलावा उनके लिए प्रोटोटाइप अनुदान की नई व्यवस्था शामिल की गई है। इसके तहत DPIT और स्टार्टअप इन UP में पंजीकृत स्टार्टअप्स के को ₹5 लाख तक एक पुष्ट प्रोटोटाइप अनुदान प्रदान किया जाएगा। आप सब ने इस डिस्कशन में भाग लिया और हम सबका सहयोग किया, इसके लिए आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। हमने देखा कि आपके मार्गदर्शन में यहाँ पे कितनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। मल्टीपल क्रिएटिव AI